एनसीईआरटी ने अपने नए सिलेबस से गुजरात दंगों, मुगल अदालतों, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सली आंदोलन पर सबक आदि समेत कई ऐतिहासिक घटनाओं को हटा दिया है। एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों में हुई ऐतिहासिक घटनाओं में बदलाव के बाद जमकर सियासत देखने मिली है। कांग्रेस, सीपीएम, सपा और उद्धव गुट की शिवसेना समेत कई पार्टियों ने इस कदम का विरोध जताया है। कांग्रेस के नेता ने इसे लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर प्रतिशोध के भावना से काम करने का और इतिहास बदलने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा का यह कहना है कि वो सिर्फ ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रही है। वहीं एनसीईआरटी का दावा है कि इस साल पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं हुई है और पिछले साल जून में पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बना दिया गया था। कांग्रेस ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से गायब हुए कुछ पाठों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसमें कि महात्मा गांधी की हत्या, गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की खोज, कुछ समय के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध, नए शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से ये सारे अध्याय गायब हैं, इसलिए जमकर हमलावर कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने गुजरात दंगों से जुड़ा पाठ हटाने पर सरकार की आलोचना की है। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से आरंभ होना चाहिए था। कपिल सिब्बल के ट्वीट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के ऐतिहासिक तथ्यों से सबसे बड़ी जोड़ तोड़ की है और भाजपा केवल अतीत के गलत कामों को सुधार रही है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि जो ऐतिहासिक तथ्य कांग्रेस को कोसते थे, जैसे मुगलों की बर्बरता, आपातकाल का दौर, कश्मीरी पंडितों और सिखों का नरसंहार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, सभी कभी भी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया और न ही पढ़ाया गया। भाजपा केवल कांग्रेस के गलत कामों को सुधार रही है। कई नेताओं और शिक्षाविदों ने एनसीईआरटी की किताबों से मुगल दरबार का इतिहास हटाए जाने का समर्थन भी किया है। दिल्ली भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एक बयान में कहा कि एनसीईआरटी से मुगलों का झूठा इतिहास हटाना एक शानदार निर्णय है। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर एसी शर्मा कहते हैं कि ये एक तरफ तो अच्छी पहल है कि हमें अपनी वंशावली पढ़ानी चाहिए और हमें ये भी जानकारी देनी चाहिए कि मुगलों या अन्य किसी से युद्ध में हमारे योद्धाओं ने कितनी वीरता दिखाई थी। वास्तविकता तो जरूर दिखानी चाहिए। देश के भावी कर्णधारों को पूरा इतिहास होना चाहिए, सत्य छपना चाहिए। इधर शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा एनसीईआरटी ने मुगल दरबार के चैप्टर को निकालकर सही किया। बच्चों को इन हत्यारों, बलात्कारियों, लुटेरों और दुष्चरित्र लोगों के बारे में भला क्यों पढ़ना चाहिए। विवादों के बीच एनसीईआरटी ने भी सफाई दे दी। पाठ्य पुस्तकों से हटाने के बारे में पूछे जाने पर एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि विषय विशेषज्ञ पैनल ने महात्मा गांधी से जुड़े अप्रासंगिक पाठों को हटाने की सिफारिश की थी और इसे पिछले साल ही स्वीकार कर लिया गया था। निरीक्षण के कारण तर्कसंगत सामग्री की सूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। सूची एक या दो दिन में अधिसूचित कर दी जाएगी। इधर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा कि पूरी युक्तिकरण कवायद पिछले साल की गई थी, इस साल कुछ भी नया नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने गायब अंशों पर कोई टिप्पणी नहीं की जो युक्तिकरण के समय अप्रासंगिक बताए गए थे। एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोट में लिखा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों पर सामग्री के बोझ को कम करना अनिवार्य महसूस किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सामग्री के भार को कम करने और अनुभवात्मक रचनात्मक मानसिकता के साथ सीखने के अवसर प्रदान करने पर जोर देती है। इस पृष्ठभूमि में एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं और सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने की कवायद शुरू की थी। इस तरह की सफाई लगातार आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है भाजपा के ऊपर कि भाई 2014 से ही इतिहास लिखा जाना चाहिए। और जयराम रमेश के बाद कपिल सिब्बल भी अब हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के मसले पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।